आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। Hello students, let's start the question. Question here is based on the assertion and the reason again. Assertion का statement हमें यहाँ पे दिया गया है. Mitochondria is known as powerhouse of the cell. Right? तो ये जो हमारा statement है वो यहाँ पे बिल्कुल सही दिया गया है. Because जो mitochondria है इसे हम most of the time powerhouse of the cell भी कहते हैं. राइट तो अगर हम यहाँ पे डायग्रामेटिकली पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये डबल मैम्ब्रेन ऑर्गेनली होती है. मींस इसमें जो है आउटर और इनर मैम्ब्रेन दोनों ही प्रेजेंट होंगे. इन दिस मैनर इस तरह से इसका जो है स्ट्रक्चर होता है. दिस इज द आउटर मैम्ब्रेन हियर लेट मी राइट जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स को अलाउ करती है अपने में से पास करने के लिए. और जो हमारी इनर मैम्ब्रेन है दिस इज द इनर मैम्ब्रेन ये परमीएबल होती है फॉर द ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. ओके तो अगर हम यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन देखें तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो हमारा इन्वॉल्व होता है इन द सेलुलर रेस्पिरेशन और इस मैनर में ये यहाँ पे रिलीज करता है एनर्जी को दैट इज इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. राइट इसीलिए हम इसे पावर हाउस कहते हैं सेल का. अब रीजन देखेंगे. रीजन क्या मेंशनड है. रीजन हमें दिया गया है माइटोकॉन्ड्रिया इज द मेन साइट ऑफ द एटीपी सिंथेसिस एंड द स्टोरेज. बिल्कुल सही है. बिकॉज जो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मैम्ब्रेन है इनमें जो है ऑक्सीजोम लाइक जो स्ट्रक्चर्स हैं वो प्रेजेंट हैं. आप यहाँ पे देख सकते हैं दीज आर द स्मॉल स्ट्रक्चर्स. राइट और ये जो हमारे स्ट्रक्चर्स हैं ये इन्वॉल्व होते हैं इन द एटीपी सिंथेसिस और एटीपी को ये स्टोर भी करके रखते हैं. इसीलिए assertion और reason दोनों ही स्टेटमेंट्स हमें यहाँ पे सही दी गई हैं. देखेंगे ऑप्शन. फर्स्ट ऑप्शन है इफ बोथ assertion एंड reason आर ट्रू एंड reason इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion तो हमारा जो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन फर्स्ट. राइट बिकॉज assertion और reason दोनों ही ट्रू हैं और जो रीज़न है ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे assertion का. देखेंगे सेकेंड ऑप्शन जो दिया गया है इफ बोथ assertion एंड रीज़न आर ट्रू एंड रीज़न इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion. राइट तो ये जो हमारा ऑप्शन है वो भी यहाँ पे गलत होता है बिकॉज जो रीज़न है ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है assertion का. थर्ड दिया गया है assertion इज ट्रू बट रीज़न इज फॉल्स तो ये ऑप्शन भी गलत है. एट लास्ट बोथ assertion एंड रीजन आर फॉल्स तो ये ऑप्शन भी हमारा यहाँ पे गलत होता है. करेक्ट आंसर रिमेन ऑप्शन फर्स्ट हियर एंड अदर आर द रॉन्ग ऑप्शन गिवन फॉर दिस क्वेश्चन. क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा. आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर.